तो हमारा जो प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है उसकी पहली क्लास में आप लोगों ने सीखा था ये स्किन टाइप। सबसे पहले मैंने आपको स्किन टाइप के बारे में बताया था एंड कैसे आप अपना स्किन टाइप जानोगे उसके बारे में भी बताया था। तो उसके बाद हम आते हैं सेकेंड डे की तरफ। सेकेंड डे में हम जानेंगे CTM के बारे में। स्किन टाइप के हिसाब से हमें CTM कैसे करना है और CTM का मतलब होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल जो जैसे बड़े सलोन होते हैं उनका आपने मेकअप देखा होगा तो बहुत ही प्यारा मेकअप होता है, फ्लॉलेस मेकअप होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना CTM अच्छा करते हैं। कभी आप सोचना कि आपने कभी किसी ब्राइड का CTM किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको CTM का मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे जानेंगे CTM के बारे में। तो सी का मतलब है क्लींजिंग, ठीक है, सी का मतलब है क्लींजिंग। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो और बाद में ये आपके काम आएगा। अगर आप सच में जो है ये कोर्स कर रहे हो मेरी वीडियो के थ्रू तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। ये CTM का जो मेन मतलब डेफिनेशन होती है ये है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि तो स्किन टाइप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपको जैसे आपने कल स्किन टाइप सीखा था ना कितनी तरह के स्किन टाइप होता है, तो उसके हिसाब से CTM में भी देखो ऐसा है कि अगर आप गलत तरीके से CTM करते हो तो आपका जो मेकअप बेस है ना या तो वो थ्रो करेगा या तो वो जो है अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो देखो स्किन टाइप कितनी है हमारी, स्किन टाइप देखो सबसे पहले है ड्राई स्किन, ठीक है, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एंड सेंसिटिव स्किन। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ CTM अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ठीक है। ये आपका आज का टाइटल है। अब देखो क्लेंजर हमें करना है। ड्राई स्किन क्या होती है, देखो कल आपको बताया था ना स्किन के बारे में, ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई। अगर आपको भी अपना स्किन टाइप नहीं पता है और इस वीडियो पे आप नए हो तो पहले पिछली वाली वीडियो में जाओ, इस वीडियो को छोड़ो, पहले वाली वीडियो में जाओ, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो कि स्किन टाइप क्या है। क्योंकि अगर आपको मेकअप सीखना है तो सबसे पहले आपको स्किन टाइप जानना होगा कि आपका स्किन टाइप कैसा है, एंड आपका पार्लर है तो आपको ये पाँचों स्किन टाइप को टेस्ट करना जानना है कि कैसे हम टेस्ट करेंगे ताकि आप अपने क्लाइंट की स्किन टाइप जान सको मेकअप करने से पहले, ठीक है। तो ड्राई स्किन में किस चीज की नीड होती है, देखो ड्राई स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई, ठीक है। तो हमें किस चीज की जरूरत है, क्लींजिंग की जरूरत हमको है ड्राई स्किन में, ठीक है। क्लींजिंग करेंगे हम, अब देखो ड्राई स्किन में हम कैसे क्लींजिंग करेंगे, क्लींजर जो होते हैं ना, क्लींजर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ क्लींजर ऐसे होते हैं जो काफी जर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन में भी हम क्लींजर करेंगे, क्लींजिंग करना कंपलसरी है सारी स्किन टाइप में। ऑयली स्किन में भी हम क्लींजिंग करेंगे, कॉम्बिनेशन में भी हम करेंगे, ठीक है। क्लींजिंग करना कंपलसरी है जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी इसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्लींजिंग करना क्यों कंपलसरी है, ठीक है। एंड CTM से हटके भी कुछ ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी होता है मेकअप करने से पहले करना। देखो आपका क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, चाहे वो घर से अपना फेस वॉश करके आए बट रास्ते में स्वेट होता है, डस्ट होती है, वो सारी फेस पे लग जाती है, तो आपको क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग आपको कैसे करनी है, चाहो तो आप वेट टिश्यू से कर लो, चाहो तो आप क्लींजिंग मिल्क लेकर ड्राई टिश्यू से कर लो, ठीक है, क्लींजिंग आपने कर ली। अब आता है हमारा टोनर, ये क्लींजिंग हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा टोनर। टोनर क्या होता है, टोनर हम क्यों करते हैं, जब हमारी स्किन पर इस तरीके से ओपन पोर्स होते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन में ओपन पोर्स होते हैं, ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, इन ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, श्रिंक करने के लिए, ताकि इनमें प्रोडक्ट ना घुसे, ठीक है, इसके लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। और टोनर हम इसलिए यूज़ करते हैं
ऑयली स्किन पर यूज करते हैं, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अवॉइड कर सकते हो टी को, ठीक है, टोनर को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद ये भी होता है कि हमारा जो स्किन टाइप है ना वो बदलते रहता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल स्किन में हम टोनर करेंगे, ठीक है। टोनर भी देखो अलग अलग होते हैं, कोई मिंट फ्लेवर में होता है, कोई कुकुम्बर फ्लेवर में होता है, ठीक है, कोई टी ट्री में होता है। ऑयली स्किन में कंपलसरी है टोनर करना, एक बार के लिए आप ये देख सकते हो, ऑयली स्किन में टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन में भी हम टोनर अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो स्किन होती है, कहीं से ड्राई होती है, कहीं से ऑयली होती है। सेंसिटिव स्किन में आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो, बेबी प्रोडक्ट यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं होता है, उसको आप जो है ऑयल सेंसिटिव स्किन पर यूज़ कर सकते हो। एंड टोनर, अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप नॉर्मल टोनर की जगह आप क्या कर सकते हो, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आप चीज़ ये इस तरीके से नोट कर सकते हो, तो आपके ये बहुत काम आएगा। जब आप इस तरीके से एक एक दिन करके ये डेली सीखोगे ना, तब आप जब मेकअप करोगे, मेकअप तक पहुंचोगे, तो आपका ये सारी पढ़ाई आपके काम आएगी और तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई कोई कहता है ना हमारा मेकअप बहता है, अगर आपने मॉइस्चराइजर, देखो आपके पास ऑयली स्किन है, ठीक है, देखो ये ऑयली स्किन है, आपको पता है कि सीटीएम करना है, आपने क्लिंजिंग कर दी, टोनिंग कर दी, मॉइस्चराइजर लगा दिया। बट अगर आपको ये नहीं पता कि ऑयली स्किन पर हमें कैसा मॉइस्चराइजर लगाना है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, उस मॉइस्चराइजर के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट लगेंगे सारे क्या होंगे, फिसल जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो मेकअप है ना वो हट जाएगा। तो यही चीज़ें होती है, जो पढ़ाई होती है बेसिक, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि टोनर, अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर होना ही चाहिए आपकी वैनिटी में। ये हो गया क्लेंजर क्लियर हो गया, टोनर क्लियर हो गया। जिनके समझ में नहीं आया वो लोग प्लीज़ कमेंट करें, और उसके बाद मैं जो है उनका आंसर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब आते हैं हम मॉइस्चराइज़र पे, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ही, मॉइस्चराइज़र हम क्या करेंगे, जैसे ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र ऐसे आते हैं, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि हमें उस ड्राइनेस को कम करना होता है, ठीक है। जैसे सर्दियों में हमारी स्किन होती है ना ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, जैसे बॉडी लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, तो ड्राई स्किन पर हमें जैसे निविया के जो मॉइस्चराइज़र होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं ड्राई स्किन के लिए। इसलिए हम जैसे ऑयली स्किन में टोनर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही ड्राई स्किन में मॉइस्चराइज़र वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अब आते हैं हम नॉर्मल स्किन में, नॉर्मल स्किन में हम जा सकते हैं लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र जाएगा लाइट वेट, ठीक है। जैसे कि बायोटिक वगैरह के मॉइस्चराइज़र होते हैं लाइट वेट होते हैं। एंड एक मॉइस्चराइज़र है एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र है, जो कि बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। आप चाहो तो ये चीज़ नोट कर सकते हो। इसीलिए ये चीज़ें, जैसे एम्ब्रॉलिस का आपका मॉइस्चराइज़र है, चलो ऑल टाइप स्किन पे चलता है, कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास निविया का मॉइस्चराइज़र है और अगर आप वो सारे स्किन पे लगाओगे, तो जब ये ड्राई स्किन वाला क्लाइंट आएगा तब तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब नॉर्मल और ऑयली स्किन वाला क्लाइंट आएगा तो आपका मेकअप ना उतरने लगेगा, बहने लगेगा, ठीक है, तब आपको दिक्कत होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, ठीक है। नॉर्मल स्किन पे कैसे जाएगा, लाइट वेट मॉइस्चराइजर जाएगा। अब आती हमारी ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर कैसे जाएगा, वाटर बेस्ड और ऑयल फ्री, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना प्रोडक्ट में ही मेंशन रहती है, ऑयल फ्री प्लस वाटर बेस्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑयली स्किन जो ज़्यादातर प्रोडक्ट होते हैं ना, ऑयल फ्री और वाटर बेस्ड। ऑयल फ्री इसलिए होते हैं क्योंकि ऑयली स्किन में ऑयल इतना ज़्यादा है कि हमें जो प्रोडक्ट लगाने हैं वो ऑयल फ्री लगाने हैं, और जो हमारी ड्राई स्किन होती है उसमें क्या चाहिए होता है, ऑयल बेस्ड चाहिए होता है, क्योंकि इसमें तो ऑयल है ही नहीं, स्किन पूरी की पूरी ड्राई है, तो इसलिए हमें ऑयल ही ऐड करना है, ठीक है। जैसे हम ड्यूरालाइन वगैरह ऑयल वगैरह, फेशियल ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर ड्राई स्किन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, देख सकते हो। कॉम्बिनेशन स्किन पर हम जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे दो तरह के,
कर सकते हैं, मतलब मेन जो आप कॉम्बिनेशन स्किन का क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जो हमारा टी जोन एरिया है वहाँ पर तो ऑयल होता है और बाकी फेस हमारा ड्राई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन पे हमेशा बेबी प्रोडक्ट, क्योंकि सेंसिटिव स्किन का ये होता है कि हमें पता ही नहीं है सेंसिटिव स्किन कब रिएक्ट कर जाए, इसलिए सेंसिटिव स्किन का जो क्लाइंट है उसको बोलो कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट हो सके तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट होता है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपके सारे आज की क्लास के सारे डाउट क्लियर होंगे CTM के, ठीक है। CTM का भी, CTM के बाद भी एक चीज आती है, वो आती है हमारी क्या आती है, स्क्रब एंड फेस पैक, कुल मिला के है ये चीज क्लीन अप, ठीक है। आपने ये चीज, आपको बहुत कम कोई बताएगा, नॉर्मली लोग CTM के बारे में बताते हैं, बट ये चीज है। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट मेरे हिसाब से अगर किसी को नॉलेज देना है तो पूरा देना है, आधा अधूरा नॉलेज कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, हमारा जो स्किन टोन है ना, हमारा जो स्किन टाइप है, हमारी जो स्किन है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम नॉर्मल बैठे रहते हमें हमारी स्किन थोड़ा सा डल लगती है। देख सकते हो, सपोज आप मेरा हाथ ले लो, ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रबिंग कर दूँ तो ये क्या होगा, वन टोन लाइटर होगा, क्लीन होगा, ठीक है। रोजमर्रा की जो धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, हमारी स्किन पर चढ़ी रहती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आजकल तो ऐसा हो गया कि सडनली कभी कोई नहीं आता है, हमेशा अपॉइंटमेंट लेके आता है। तो अगर मेकअप का कोई क्लाइंट है, आप उसको पहले एडवाइस दो, उसको बताओ कि मैम आपको जो है एक क्लीनअप कराना कंपलसरी है मेकअप से पहले। अगर आपको कल मेकअप कराना है तो आज आपको एक क्लीनअप कराना कंपलसरी है। चाहो तो आप हमारे यहाँ पर आके करवा लो, चाहो तो आप खुद घर पे कर लो। ये प्रिपरेशन देखो, ये वाली प्रिपरेशन है ये मेकअप से जस्ट पहले की है, बट ये वाली जो प्रिपरेशन है ना, ये मेकअप से एक दिन पहले की है, ठीक है। इससे अगर आपके, एक तो आपके फेस की डेड स्किन हटेगी, क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट आया हुआ है तो हमारे पास सिर्फ इस वाली प्रिपरेशन को करने का टाइम होता है, ये वाली है जो, ठीक है। इतना अगर हम करने बैठ जाएंगे ना स्क्रब फेस पैक तो एक घंटा तो इसी में निकल जाता है, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को बोलो कि ये चीज आप पहले करके रखो, एक दिन पहले सजेस्ट करो आप। अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है तो डेफिनेटली वो आपकी बात को मानेगा और उसका जो रिजल्ट है बेस्ट से बेस्ट आएगा, एंड आपका भी जो रिजल्ट है बेस्ट से बेस्ट आएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपके साथ मेकअप में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसी वजह से हो रही है, अगर आप ये चीज नहीं करते हो। तो आई होप कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आया तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आप जब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है आप लोगों को फ्री सिखाने का, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का, अगर आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, तो उनके लिए ही मैं अपना टाइम निकाल के स्पेशली इतनी मेहनत कर रही हूं। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए, नोट कीजिए अगर आपको सच में सीखना है, ठीक है। आपके बहुत काम की चीज है, इतना डिटेल में मैं आपको समझा रही हूं, और बाद में देखना जब डेमो करके दिखाऊंगी, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, क्लास थर्ड में, और वहां पर हम जानेंगे इससे अगला स्टेप। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।